गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी स्कॉर्पियो, उठ गई भाई। मैं सुबह आगे इसको उठा गया था, पूरी गाड़ी साफ करने में चला गया था, बहुत ज्यादा टाइम मेरे को। मैंने क्या किया, मैंने विंडशील्ड साफ कर दी, इसके ओआरवी हम साफ कर दिए, एंड जो साइड के शीशे थे ना साथ साथ वो साफ कर दिए। बस जहाँ जहाँ से हमारे को विजिबिलिटी लेनी है और आपको विजिबिलिटी देनी है। और कल रात को शीशा बहुत ज़्यादा गंदा था, इसलिए मैंने वाइपर नहीं चलाए, और आपको पता ही है गंदे शीशे पे अगर वाइपर चलाओगे तो शीशा खराब हो जाएगा, उस पर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेज आ जाएंगे, फिर शीशा आपको चेंज कराना पड़ेगा। तो जी वेलकम बैक टू चल, कैसे आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छा अगर फिल्म से भी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। अरे मैं पास आया और तू बंद हो गई, हवा बहुत तेज चल रही है। कल रात हम यार कहते भाई जिंजर में ठीक था यार, ठीक है, बूफे बहुत अच्छा रहेगा, सुबह का बड़ा प्यारा बूफे था यार। मैं तो लगभग सारी चीज़ें ने बैठ दी है, थोड़ी 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 मैं ब्रेकफास्ट करके चलना चाहिए। देखो आप घर से जब भी निकलते हो ना, एक मिनट पहले कोल्ड स्टार्ट कर दूँ ना साथ साथ न्यूट्रल करके। अब अपने वाली गड्डी में तो ऐसा है ना, क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ती मोस्टली। आजकल जो मैनुअल गाड़ियाँ उनमें क्लच दबानी पड़ती है, और ऑटोमेटिक में देखो ब्रेक दबाना ही दबाना पड़ेगा, पर अपने वाले में ना ये काम नहीं करना पड़ता। चलो ये सहूलियत अपने को, लेकिन बच्चे कई बार सेल्फ मार दें, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं यही कह रहा था, घर से कहाँ के चले हर जगह मिले, घर से खाली पेट चले कहीं ना मिले, ठीक है ना। तो आज तो यही घर था भाई, रात को यहीं रुके थे आके, तो अभी पेट भर के चले। अब सारा दिन मिले या ना मिले वो अलग बात है, पेट सवेरे सवेरे भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ब्रेकफास्ट आपको मिस नहीं करना है, इसका मतलब ये है। और सवेरे सवेरे एक और पसूड़ी पैगी यार, वैसे इस पसूड़ी की तो ना रोज की आदत हो गई है। ये देखो भाई, फिर ट्रिप पे ट्रिप बिजी हो गया। अब बंदा अपना नीचे से ओडोमीटर नोट करके ना चले ना तो पता ही ना लगे भाई, ऑटोमेटिकली नहीं होना भाई तूने डेली, ठीक है यार। महिंद्रा प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़ के कह लो चाहे हम्बल कह लो चाहे गुस्से में कह लो, मान जाओ यार इस Z4 का ट्रिप पे ट्रिप भी ठीक कर दो यार। ऐसा क्या सॉफ्टवेयर होगा जो 1.5 साल हो गया तुम्हारे से काबू में नहीं आ रहा यार, हद होगी यार जलालत की। नहीं यार इस मामले में तो यार सच में यार नहीं करते तुम्हारा अंडी पे काम, अगर ऐसे करोगे ना तो मैं थार फाइव डोर नहीं खरीदूंगा फिर, देख लो यार। छोटे सवेरे सवेरे मूड नहीं खराब करना, कितने जा रहे हैं फोन 10 दिन का बता देना। हम जा रहे हैं भाई पंतनगर, हालांकि ये जिंजर होटल वाले तो पंतनगर ही बता रहे हैं इसको तो, ठीक है वैसे है ये रुद्रपुर में, तो पंतनगर जा रहे हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा के प्लांट में। मेन कारण ये भी था यहाँ पे रुकने का, देखो बिल्कुल ठीक सामने अपना हाईवे चलता है, तो ज्यादा अंदर जाने की ना जरूरत नहीं पड़ी अपने को, अपना यहीं से काम चलेगा फटाफट। हम देख रहे हो दिनेशपुर, गदरपुर, नैनीताल नाम गदरपुर सन्नी पाजी नहीं, आगे गदर मचाया था क्या है, गदरपुर नाम रख दिया, गदरगढ़ हो जाता गदरगढ़ तो नहीं चलता पूरी ठीक है, गदरगढ़। लो जी पहुंच गए हम टाटा मोटर्स के प्लांट में, महिंद्रा की गाड़ी लेके है। 2007 में शुरुआत हुई थी भाई इस प्लांट की, 950 एकड़ का है भाई ये, मतलब इतनी जगह फैला हुआ है। आ तो रहे हैं जी गार्ड साहब, भाग भागे गार्ड साहब है, गार्ड मैडम है, चलो जो भी आ रहे हैं कह तो रहे हैं सर दूसरे वाले गेट से आओ, मैं गलत गेट पे आ गया। गेट से एंट्री नहीं था भाई, एंट्री 6 नंबर गेट से है, ये है भाई गेट नंबर 6, यहाँ से है एंट्री। ओ भाई साहब ये सही है भाई, वहीं से गार्ड साहब ने बटन दबा दिया, इलेक्ट्रिक गेट हाँ सही है भाई। अभी वो आएंगे, वर्दी भी बहुत बढ़िया है भाई गार्ड साहब की है, सिक्योरिटी वाले हैं। चलो जी एंट्री कराते हैं फिर अंदर चलते हैं। ये देखो भाई कितने सारे छोटे हाथी तैयार हुए खड़े हैं यहाँ पे, ये सारे रेडी हैं भाई बाहर जाने के लिए। अरे भाई बहुत सारे इसमें तो लेफ्ट हैंड ड्राइव भी हैं, एक्सपोर्ट भी तो होता है ना भाई, हमारा छोटा हाथी अकेले इंडिया में फेमस नहीं है भाई, वर्ल्ड वाइड फेमस है ये छोटे हाथी के नाम से। तो भाई अभी मैं आया हूँ इंजन वाले एरिया में, यहाँ की ट्रेनिंग में यूज होती है सारी चीजें यहाँ पे। तो ये देखो एस पेट्रोल BS6 700 cc वाला, ये देखो भाई पूरा मतलब इंजन से लेके एग्जॉस्ट तक का सारा सिस्टम लगा रखा है भाई प्रॉपर यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंट्रा V30 BS6 1500 cc वाला, और ये रहा भाई इंट्रा V50 का इंजन, हालांकि ये भी 1500 cc का है, लेकिन देखो आप साइज देखो कितना फर्क है इसमें, देख रहे हो ये भी 1500 cc है, ये भी 1500 cc है, पर साइज का फर्क है भाई। ये कन्वर्टर, ये फिर ये, और सेंसर्स देखो कितने ज्यादा लगा रखे हैं। तो भाई साहब पोल्यूशन का तो बहुत तगड़ा ख्याल रख रही है कंपनी अब आने वाले टाइम में, कि इंजन भी बढ़िया आपके चले, बढ़िया एफिशिएंट से हों, बढ़िया पावर दें, एंड भाई आपका आगे चल के पोल्यूशन भी कम करें। फिर आ जाता है एस कोल्ड डीजल, बहुत फेवरेट है भाई छोटा हाथी, इसी से फेमस हुआ था, 700 cc का डीजल इंजन है भाई ये। तो भाई भरी गर्मी में हमने कर लिया भाई शूट,
फोन भी हमारे हो गए दो दो चार चार बार गर्म। चल भाई और दिल लिया लूट यार ये डायलॉग बना नहीं, बिल्कुल डायलॉग बना के सुना यार। विशाल भाई जब भी अपने को मिलता है ना भाई बहुत बढ़िया बढ़िया डायलॉग मारता है भाई, मतलब ऐसी पंच लाइन होती है ना भाई की इसका वो उसका वो कुछ लाइन्स ऐसी होती है मैं बोल नहीं सकता, बीफ करनी पड़ेगी। ये भाई टाटा का प्लांट है भाई, है 950 एकड़ में भाई, और इनके वेंडर्स भी तो यहीं बनाते हैं ना, यहीं बनाते हैं यहीं सप्लाई देते हैं, तो मतलब तकरीबन 600 एकड़ के आसपास जो है वो टाटा यूज़ करता है और 350 एकड़ यूज़ करते हैं इनके वेंडर्स। अभी हम जा रहे हैं भाई लंच करने, गला सूख गया, पानी पी लिया, लेकिन पेट को भी तो भूख लगी है ना। हालांकि जो शूट हुआ है वो आपको या तो इससे पहले देखने को मिल जाएगा या इसके बाद में देखने को मिल जाएगा, पर दिखेगा ज़रूर, बड़ी एंडी सी शूट हुई। अच्छा पंचलाइन आ गई, हाँ हाँ लिया कर मूत गला गया सूख अब लग रही भूख, लिया कर मूत टॉयलेट नहीं कर गए थे, अच्छा कर लिया मूत ऐसे बोलना, लिया का मुंह क्या बोलता रहता है यार। तो मैं कहता इसकी लाइन में ना यार बीप मारना पड़ता है, दोबारा नहीं बोलूंगा, आप अपने आप सुन लो रिवाइंड करके। ये भाई साहब फुल सात्विक भोजन, एंड भाई बाहर इतनी गर्मी थी, पंखे देख रहे हो कितनी ठंडी हवा दे रहे हैं, वाह वाह मजा आ रहा है भाई। ये कैंटीन है भाई, चलो जी हो जाओ शुरू। तो जी अब बारी आ गई हमारी प्लांट से एग्जिट लेने की, बहुत सी चीज़ें देखी भाई पर आपको अभी नहीं दिखा पाई क्योंकि उसके लिए भाई परमिशंस लेनी पड़ती हैं, तो वहाँ पे काफ़ी जगह कैमरा भी अलाउड नहीं था, तो फिलहाल तो एग्जिट लेते हैं एक दिन प्रॉपर ना सारी करा के फिर आएंगे तसल्ली से यार, फिर दिखाएंगे पूरा मैन्युफैक्चरिंग होते हुए ना सारी चीज़ें। वैसे मोस्टली यहाँ पे कमर्शियली बनते हैं, ये देखो जैसे इधर यहाँ पे लगे हुए हैं ना, ये देखो छोटे हाथी का तो गढ़ है ये सच में, इतने छोटे हाथी हैं भाई, इतने छोटा सारे मतलब छोटे हाथी इंट्रा जो भी है ना सारे। ये देखो इधर टेस्टिंग चल रही है, ये टेस्ट ट्रैक 2, ये देखो ये टेस्टिंग करके आया भाई इसकी, और जो भी निकलता है ना भाई प्लांट से बन के उसकी टेस्टिंग होती ही होती है, मतलब कोई भी सिंगल पीस ऐसा नहीं होता जो टेस्टिंग के बगैर यहाँ से निकले। टाटा सुमो तो आपको बहुत मिलेंगी यहाँ पे, क्योंकि रोड पे नहीं चल सकती पर प्लांट के अंदर तो चल ही सकती है ना। अरे क्या हो गया, अच्छा रेड लाइट होगी भाई, प्लांट के अंदर भी रेड लाइट है भाई, है? और विशाल भाई ने देखो रूल तोड़ दिया भाई, कहाँ पे खड़ी करके देखो बिल्कुल बीच चौराहे पे खड़ी कर दी गाड़ी है, चलान बनाओ ये विशाल भाई का है, हाँ बनेगा चलान बनेगा, अभी भेजता हूँ विशाल भाई को चलान में, पर्सनल चलान काटेंगे इनका। उधर जिंजर से चेकआउट करा था, अब यहाँ चेक इन करेंगे भाई, अब हमारी यहाँ पे है एक लॉन्चिंग इवेंट, हमारी लॉन्चिंग इवेंट है, हमारी लॉन्चिंग नहीं है ठीक है। तो अभी अंदर चलेंगे यहाँ पे थोड़ा विश्राम फरमाएंगे, ठीक है यार मैं रेडिसन भी कल बुक कर सकता था, चलो कोई बात नहीं आज कर लेंगे यहाँ पे। कौन फोटो कराने जा क्यों रहे हो, कैसे देखो हाँ ट्रक एक फोटो अनेक, ऐसे फोटो मिलेगी भाई हमारे को रेडी हो गए है ना, मस्त लगेगी ना एस, हाँ पिक करा ली सर, ऐसे 1000 फोटो का टारगेट है इनका क्योंकि इसका नाम है एस 1 टन फोटो खींचेंगे आप, मैंने तो करा ली भाई, आप भी करा रहे हो देखो कैसे कैसे ये ऐड कर गया गुटका, ये खाता है ऐड तुम करोगे। ये क्या कर रहे हो तुम, ये हंस के दिखाओ, ड्रैकुला वाली ऐसी नहीं करनी। देखो तो भाई वापसी की तैयारी हो चुकी है, रामपुर 48 बरेली लेफ्ट जाता पर बरेली हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे वापस अपने घर। एंड भाई यहाँ से हमारा सफर स्टार्ट होता है 31,050 पे, क्योंकि ट्रिप पे ट्रिप बिका तो फिर कुछ नहीं पता भाई, कभी भी जीरो हो सकता हो तो हमारा। तो बस फाइनली टाटा बाय बाय टू रुद्रपुर, रुद्रपुर को भाई करते हैं टाटा बाय बाय। दाल बहुत अच्छी थी भाई यहाँ पप्पू ढाबे की, अगर आपने नहीं खाई तो भाई आप भी खा लेना। एंड हमारा इवेंट भी बहुत अच्छा था, आपने देख ही लिया, मैंने दिखाया क्या नहीं दिखा पाया मैं, तो भाई वहाँ पे कैमरा की रिस्ट्रिक्शंस रही होंगी, तो बस यही है भाई इसीलिए हम आए थे। नेक्स्ट डे, हाँ भाई पहचान ली गाड़ी, कैसी लग रही है गाड़ी, बढ़िया लग रही है ना,
एकदम स्कॉर्पियो से हम आ गए भाई ऑडी Q3 पे। एंड ये गाड़ी भाई अपनी नहीं है, आपको पता ही है थंबनेल से आपने पहचान ही लिया होगा, ये गाड़ी अपने अनमोल भाई की ही है और ये यहाँ आई है, इसी के कारण मैं वापस आया हूँ। अब मेरे को वैसे तो भाई एक दिन का और मेरे पास टाइम था, मेरे को आगे जाना था, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आता मैं थोड़ी सी और अपनी स्कॉर्पियो चला के आता, लेकिन अनमोल भाई वापस चला गया मलेशिया। और जाने से पहले भाई ये गाड़ी मेरे घर पहुंच गई थी, अनमोल ने कहा भैया अब आप इसके भी हाथ पीले कर दो। और ये गाड़ी जब हमने ली थी ना, मैंने उसको मना किया था अभी मत ले, इस गाड़ी का सिर्फ 1 साल बचा है, कितना ही चला पाएगा। बोला नहीं भैया कोई बात नहीं, चला लेंगे थोड़ी बहुत तो ली लेगा, मैं खैर महीना भी नहीं चलाई होगी। उसके बाद भाई अपना इंडिया टू जो ऑस्ट्रेलिया ट्रिप है उस पर निकल गया। उसके बाद ये घर पे खड़ी रही, फिर बोला कि भैया आप घर पे ले आओ, आप चला लो जब तक कुछ चल जाएगी। मैं क्या चलाएंगे यार, क्या मेरी अपनी गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, मैं क्या करूंगा। फाइनली अब जाने से पहले बातचीत ये हुई भाई अब इस गाड़ी को हम भेज देते हैं, क्योंकि इस गाड़ी के अब बच्चे हैं भाई मात्र 4 महीने दिल्ली एनसीआर के बोल रहा हूँ, ये अभी 22 सितंबर तक ये दिल्ली एनसीआर में चल सकती है, उसके बाद नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि अब हम इस गाड़ी को सेल कर रहे हैं। थोड़ा सा इस गाड़ी के बारे में आपको मैं जल्दी से बता देता हूँ कि ये गाड़ी कौन सी है, क्या है, कौन सा वेरिएंट है। ये गाड़ी है 2014 की ऑडी Q3 2 लीटर TDI क्वाट्रो, जी हाँ ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है ये। तो ये गाड़ी पहले भी मेरे दोस्त के पास थी, मेरा एक स्कूल फ्रेंड है सौरभ, उसकी ये गाड़ी थी, उससे हमने ली थी। जस्ट ऐसे फोन आ गया था, वो बोला विक्रम यार मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ, अनमोल मेरे साथ था, बोला भैया हम ही ले लेते हैं। और मार्केट रेट से भाई 1,00,000 रुपया ऊपर दिया था उस टाइम इस गाड़ी का, सच्चाई है ये। और इसमें कुछ चेंजेस भी किए हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये गाड़ी RS Q3 नहीं भाई, ये सिर्फ ग्रिल इसके ऊपर लगाई गई है, इसके ओरिजिनल ग्रिल भी आपको साथ में मिलेगी, ये बस चेंज करी गई थोड़ी सी लुक चेंज करने के लिए। लाइट्स की बात करें तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, और जो फोग लैंप्स हैं वो येलो आते हैं लेकिन उनको व्हाइट LED में चेंज कर दिया गया था। ओवरऑल फ्रंट लुक ये है गाड़ी की। अब साइड लुक पे आए तो भाई साइड लुक में चेंज ये है गाड़ी में कि इसके अंदर है 18 इंच के व्हील, हालांकि इसके अंदर जो स्टॉक अलॉयज आते हैं वो 17 इंच के आते हैं, हमने इसके अंदर 18 करे थे। तो टायर्स की तरफ से तो आप बिल्कुल फ्री हो, मेरे ख्याल से 1500 किलोमीटर के अराउंड ये टायर चले होंगे, बिल्कुल नए टायर पड़े हैं। एयर प्रोफाइल आपको बता दूं 235/50 R18 से देखोगे तो कोई आपको स्क्रैच डेंट कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल भाई गाड़ी है स्टॉक है, जी हाँ बिल्कुल स्टॉक है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे तो तकरीबन कंपनी इसकी बताती है 170-180 mm, लेकिन 200 mm तक की ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी की ना, मैंने देखा इसको भी चला के, भी इंजन भी दिखाऊंगा आपको, बाकी अब आ जाते हैं पीछे। पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, इंटीरियर भी दिखाऊंगा आपको। एंड फ्यूल टैंक की बात करें तो 64 लीटर का इसके अंदर भाई टैंक कैपेसिटी है, माइलेज बहुत अच्छी देती है भाई। सिटी की माइलेज की बात करें अगर आप प्यार से चलाते हो ना तो 14-15 आराम से देती है, और अगर हाईवे पे अगर आपने 90 तक चलाया ना, हालांकि इन गाड़ियों के 90 तो चलाता नहीं है, आप 100 तक भी चलाते हो इस गाड़ी को 18 के आसपास ये माइलेज देती है। आपको रियर दिखा देता हूँ गाड़ी का, तो रियर ऐसे है भाई, ठीक है। इस गाड़ी के अंदर ना एक बैक कैमरा नहीं मिलता, तो बैक कैमरा लगवाया गया था इसके अंदर लेने के बाद, देखो यहाँ पे बैक कैमरा लगा हुआ है, ये अपना कवल भैया से ही लगवाया था। एंड ये रहा भाई गाड़ी का बूट, स्प्लिट पार्शल ट्रे मिलती है आपको इसके अंदर, ये अलग होती है एंड ये यहाँ बूट पे कनेक्ट होती है। ये देखो भाई ये भी दिखा देता हूँ, नीचे स्टपनी तो निकली ही नहीं कभी, स्पेस सेवर स्टपनी है इसकी, मतलब गाड़ी बिल्कुल स्टॉक है यार, चली कुछ भी नहीं है, नहीं चली थी तभी मन किया था अनमोल का कि भैया बहुत कम चली है ले लेते हैं इसको, अच्छी गाड़ी है। अब आ जाते हैं इस तरफ, तो इस तरफ जब ये गाड़ी हमने ली थी तो उस टाइम तो कोई स्क्रैच नहीं था, लेकिन अनमोल का घर बन रहा है भाई, यहाँ पे एक डेंट आया हुआ है, रिपेयर अभी नहीं करवाया है। अगर कोई भाई कहता है कि सर आप ये रिपेयर करवा के दे दो तो हम रिपेयर करा के दे देंगे, क्योंकि आज तक ना गाड़ी कहीं से भी इवन बम्पर तक इसके पेंट नहीं हुए हैं, मतलब गाड़ी टोटली स्टॉक है ये, इसीलिए फिर मैंने इसको ना डेंट को रिपेयर नहीं कराया। देखो जो चीज़ आपको बता रहा हूँ वो क्लियर ही बता रहा हूँ भाई कि ये चीज़ ऐसे लगी है, ये ओके ही है जो चीज़ है, क्योंकि पता क्या बाद में फिर यूँ अरे सर आपने ये चीज़ नहीं बताई, ये चीज़ नहीं बताई, ना भाई ऐसा कुछ नहीं, हमने सारी चीज़ बताई। अब आपको एक बार बोनट भी दिखा देता हूँ मैं इसका खोल के, इंजन बे कंपार्टमेंट ये सब, ये लो भाई तो देख लो भाई इंजन साफ सुथरा गाड़ी का, ठीक है। और पावर की बात करें तो 174 BHP और 380 Nm का टॉर्क ये गाड़ी आपको देती है, और पावर आज भी ना पूरी बरकरार है, बिल्कुल वैसे उसी पंच से भागती है, और कहीं पे भाई कोई ऑयल लीकेज नहीं है। चेक करवा लिए भाई अपना अभिषेक भैया से, फिर भी आप जब लेके जाओगे तो आप भी भाई अपने टेक्नीशियन से एक बार चेक करा लेना, क्योंकि भाई गाड़ी घोड़े का ऐसा ही काम है, है? हम तो जब तक अपने पास है तब तक की गारंटी ले सकते हैं, जाने के बाद क्या हो जाए पता नहीं लगता भाई, कई बार हो जाता है, अपने पास बिल्कुल अच्छी भली होती है, दूसरे के पास जाके कुछ ना कुछ उसका बिगड़ जाता है। अब आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ मैं, डोर पैड देखो आप, देखते समझ जाओ कि बिल्कुल नए पड़े हैं भाई, हाँ हो गए हैं गाड़ी को 9.5 साल, लेकिन उस हिसाब से अगर हम देखें तो भाई बिल्कुल फ्रेश पड़े हैं। तो स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ, ये देखो परफेक्ट, मतलब एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है, ये ऑटो लाइट फॉग लैंप्स वगैरह सारा, ये अपना इल्यूमिनेशन की लाइट कम ज़्यादा करने के लिए। अब स्टेयरिंग की बात करें तो भाई टिल्ट
एंड टेलीस्कोपिक बोथ मिलता है भाई आपको, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा सारा, मतलब MID के जो उस टाइम पे सब फीचर्स आते थे, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ये वो सारे मिलेंगे आपको यहाँ पे। और जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं ये भी भाई आपके प्रॉपर वर्क करते हैं इस नए स्क्रीन के साथ। जी हाँ, इसके अंदर हमारे को टच स्क्रीन नहीं मिलती है, लेकिन इसके अंदर टच स्क्रीन ऐड की गई है। अभी देखो लेफ्ट साइड का डोर ओपन हुआ तो यहाँ पे ये बताता है, मेंशन करता है। और अगर जो OD वाले फीचर्स हैं वो भी आपको इस्तेमाल करने हैं तो देखो आप वो ऐसे यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको स्क्रीन करनी कहीं पे भी आप टैप कर दो, यूट्यूब चलाना आप यूट्यूब चला लो, आपको अपना वही वाईफाई से कनेक्शन देना है इसको, बस उसी से अपना ये चल जाएगा। तो ये स्क्रीन भी भाई अभी इसके अंदर चेंज कराई थी, बाकी सारी चीज़ एज इट इज़ सेम है। ये देखो कितनी साफ सुथरी और सारी चीज़ वर्क करती हैं भाई, और कोई भी प्लास्टिक का पार्ट टूटा नहीं है। देखो इस बटन से तीनों लाइट ऑन होती हैं, इधर से इस साइड की, इधर से इस साइड की। ये आपका कर्टन खोलने के लिए, ये कर्टन बंद करने के लिए, देखो प्रॉपर वर्क कर रहा है। और अभी यार मौसम अच्छा है तो इसको खोल ही देते हैं, एक बार आपको सनरूफ भी खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो तो इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई सनरूफ अटक तो नहीं रही है कहीं। ये देखो एक बार में अपना पूरी सनरूफ ओपन हो गई, इसको हम बंद कर देते हैं। ERVM आपको ऑटो डिमिंग नहीं मिलेगा, ये आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो आपको मिलता है भाई गाड़ी के अंदर। यहाँ भी एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस मिलता है, यहाँ पे देखो आपको एम्बिएंट लाइट मिलती है जो कंपनी से ही आती है। यहाँ देखो एक फ़ोन, मतलब दो फ़ोन इजीली यहाँ पे रखे जा सकते हैं। 7-speed भाई ट्रांसमिशन मिलता है इसके अंदर आपको, बहुत बढ़िया ट्रांसमिशन, प्लस स्पोर्ट्स मोड भी मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, दो कप होल्डर, यहाँ पे 12 वोल्ट, आजकल 12 वोल्ट की बहुत कमियाँ कर रही हैं भाई कंपनियाँ, 12 वोल्ट यहाँ भी मिलता है, 12 वोल्ट एक पीछे भी मिलता है। आर्मरेस्ट आपकी स्टोरेज के लिए, चीज़ अच्छी है वॉक्सवैगन की, आपने मोस्टली इनकी पोलो वेंटो में भी देखा होगा, आर्मरेस्ट को अगर आप ऐसे कर देते हो ना तो वहीं पे सेट हो जाता है, या आपके अकॉर्डिंग हाइट पूरा ऐसे करना है तो ऐसे नीचे कर दो, ये देखो ऐसे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को यार। आपका क्रूज कंट्रोल का स्विच, एंड एक बार चाबी भी दिखा देता हूँ आपको बंद करके, तो ये ऐसी मिलती है भाई, फ्लिप की मिलती है इसके अंदर, हालांकि अब आपको लगानी पड़ेगी, ये फुल नहीं पड़ी है। और हाँ किलोमीटर दिखा देता हूँ आपको, ये देखो भाई किलोमीटर 41,702, 41,702 किलोमीटर चली है गाड़ी इस मीटर के साथ, कहीं से भी कोई टेम्परिंग नहीं हुई है। जी हाँ कोई टेम्परिंग नहीं है, आप चेक कर सकते हो इसको, ये इतना ही चला हुआ इंजन है। और गाड़ी जो हम देंगे भाई नंबर 7 में ही जाएगा, नंबर नहीं रख रहे हैं इसका, 5600 काफ़ी अच्छा नंबर है, बढ़ता नंबर है 5-6-56 जी छाती कहते हैं ना, तो 5600 नंबर भाई 7 में जाएगा। और ये गाड़ी भाई दिल्ली NCR वालों के लिए नहीं है, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो आप परचेज ना करें, खामखा आप परचेज करेंगे एंड फिर आप एक दो महीने बाद सोचेंगे अरे मैं क्या करूँ मैं फंस गया। तो या तो अगर आप दिल्ली NCR से बाहर रहते हो, हरियाणा में रहते हो, कुरुक्षेत्र अम्बाला या हिसार साइड उधर कहीं रहते हो, तो वहाँ आप इस गाड़ी को ले सकते हो हरियाणा में, तो वो नंबर आपका यही रह जाएगा, यहाँ से NOC आपके डिस्ट्रिक्ट में चली जाएगी और गाड़ी आपके नाम हो जाएगी। लेकिन जो लोग चाहे साउथ में रहते हैं, हिमाचल रहते हैं, पंजाब रहते हैं, चंडीगढ़ रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी डील है भाई, ठीक है, कि गाड़ी बहुत साफ सुथरी है, सिंगल हैंड ड्रिवन है, हालांकि हो गई है सेकंड ओनर, ये गाड़ी अनमोल के नाम हो गई है, लेकिन अनमोल ने चलाई ही कितनी है, 2000 किलोमीटर कुछ नहीं होता भाई। साउथ वालों के लिए तो भाई ये हीरा है, सच बताऊं तोहफा है भाई, गिफ्ट है आपके लिए, हालांकि गिफ्ट में नहीं दी जाएगी गाड़ी, इसके पैसे लिए जाएंगे। इसका जो प्राइस है वो हमने रखा है भाई 8.25 लाख रुपए, 8,25,000 रुपए, इस इज़ नेगोशिएबल, जी हाँ नेगोशिएबल रहेगा प्राइस, ऐसा नहीं है कि हमने फिक्स बोल दिया तो इतने ही रेट में जाएगी, ऐसा नहीं है। आप आइए गाड़ी को देखिए, कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दे रखी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेल कीजिए। सीरियस बायर्स ओनली यार, ये मत करना यार कि बस टाइम पास के लिए, आपको देखो मेरा भी टाइम कीमती है, आपका भी समय कीमती है। इस गाड़ी की जो डील है भाई वो मेरे को विद इन अ वीक कंप्लीट करनी है, इसी हफ्ते मैं इसको क्लोज कर दूंगा। जो डीलर्स हैं मेरी उनसे भी बातचीत चल रही है, क्योंकि भाई मेरे को तैयारी करनी है अपने ट्रिप्स की। जी हाँ काफ़ी मच अवेटेड, इस साल में भाई अभी तक हमने ट्रिप कोई ढंग का किया ही नहीं है, बस साल के शुरुआत में ही गए थे, उसके बाद तो कहीं गए नहीं है। दो मज़ेदार ट्रिप आएंगे भाई, मज़े वाले आने वाले हैं। तो इतना लंबा है, आप मुझसे वो रहते हो ना कि विक्रम भाई आप 2-3 दिन दिखा के फिर वापस आते हो, इस बार ऐसा दिखाऊंगा आप कहोगे विक्रम भाई स्वाद आ गया सच में, ट्रिप देखा तो आपका देख लेंगे। आपसे नेक्स्ट वीडियो में फटाफट, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेल करो, आपसे बातचीत करते हैं, डील को क्लोज करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट, बाय बाय, मैं चला।